अबुआ आवास योजना का दूसरी किस्त यदि आपको नहीं मिला है तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, क्योंकि अबुआ आवास योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग लाइव जानेंगे कि क्या निर्देश उनके द्वारा दिया जा रहा है, दूसरी किस्त की राशि लाभुकों को क्यों नहीं मिल रही है, इससे रिलेटेड क्या निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा दिया जा रहा है एंड पहली किस्त की राशि के लिए क्या अपडेट आ चुकी है, चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड लगातार सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर स्क्रीन पर एक पेपर कटिंग दिख रहा होगा, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, दूसरी किस्त के लिए जमा करना होगा जाति प्रमाण पत्र। अब वो आवास योजना के लिए ये न्यूज है और यहां पे देख सकते हैं, रामगढ़ प्रतिनिधि प्रखंड कार्यालय सभागार में मंगलवार को रामगढ़ के प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार ने अब वो आवास की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में पीएम आवास के प्रखंड समन्वयक अनूप कुमार, सभी पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी आदि उपस्थित थे। वीडियो ने सभी पंचायत सचिव को अब वो आवास योजना में द्वितीय किस्त की राशि जारी करने के पूर्व स्वीकृत आवासों के प्रथम चरण के कार्य की तत्कालीन जियोटेक करने का भी निर्देश दिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि अब वो आवास योजना का दूसरी किस्त की राशि आपको यदि नहीं मिला है तो यहाँ पे जियोटेक करने का निर्देश दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं, सभी लाभार्थियों से उसका जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र तथा बैंक पासबुक को भी विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जमा करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो गया है। जाति प्रमाण पत्र कौन सा टाइप का चाहिए एंड लाभु का नहीं है तो किनका चाहिए, लाभु का नहीं है तो ऑप्शन में आप किनका दे सकते हैं, इन सभी बातों पर भी चर्चा करेंगे। इनका भी यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। यहाँ पे एक नया बात आ जाती है, निवासी प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, निवासी प्रमाण पत्र के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आधार कार्ड आपका निवासी प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करती है, क्योंकि निवासी प्रमाण पत्र का मतलब हो गया आपका निवासी कहाँ है, आपका रेसिडेंटल कहाँ है, वो एड्रेस आपका पता क्या है, तो ये पूर्व आपका आधार कार्ड करते हैं, उसके माध्यम से भी आपका पता का प्रमाण हो जाती है। तो निवासी प्रमाण पत्र आपका नहीं भी है तो भी आपका चलेगा, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र लगेगा यदि लाभुक का नहीं है तो कैसे आप बनवा सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर परिवार का कोई भी सदस्य का है या नहीं है। महिला लाभार्थियों का जाति प्रमाण पत्र मायके से निर्गत होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। यदि महिला लाभुक का जाति प्रमाण पत्र आप दे रहे हैं तो वो जाति प्रमाण पत्र पति का घर का यदि बना हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा। तो उनका मायके से बना हुआ जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। यहाँ पे दिया गया है, यदि ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऑफलाइन जाति प्रमाण पत्र को भी अपलोड किया जा सकता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी जाति प्रमाण पत्र है आपका काम चल जाएगा। एक फॉर्म आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो कि ऑफलाइन जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए है, केवल अब वो आवास योजना के लिए सरकार के द्वारा इस फॉर्म को जारी किया गया है। एक दिन में आप जाति प्रमाण पत्र इस फॉर्म को यूज करके बना सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करने का यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, जाति प्रमाण पत्र को अपलोड किए बिना दूसरी किस्त की राशि लाभुकों को नहीं दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, महिला के मायके का जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में महिला के पति या उसका पुत्र का जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड किया जा सकता है, या फिर पुत्री भी है तो भी चलेगा। पति, पुत्र, पुत्री किन्हीं का भी जाति प्रमाण पत्र परिवार में है तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। इस योजना का लाभ आपको मिल जाएगा, दूसरी किस्त की राशि आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से दे दिया जाएगा। इसके लिए ग्राम प्रधान, राजस्व कर्मचारी द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी, कि जाति प्रमाण पत्र जब तक आपका अपलोड नहीं होगा तब तक दूसरी किस्त की राशि आपको नहीं मिलने वाली है। आपने जमा भी कर दी है लेकिन उस चीज को अपलोड करना पड़ता है अब वो आवास योजना का ऑफिशियल वेबसाइट में। तो यदि आपने दूसरी किस्त की राशि को लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र को जमा कर दिए फिर भी नहीं मिला है तो एक बार पंचायत सचिव से जरूर बात कर लीजिए कि क्या आपका जाति प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय में जमा हुआ है और उसे अपलोड किया गया है या नहीं किया गया है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक दिन में जाति प्रमाण पत्र आप कैसे बना सकते हैं। इसके लिए कोई खास प्रोसेस नहीं है, जो फॉर्म आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको आपको प्रिंट आउट निकालना है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इस फॉर्म को भेज दिया है तो वहां से इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। एंड इसके साथ साथ आपको आधार कार्ड, जमीन का पर्चा और रसीद लगाना पड़ेगा। इस फॉर्म को कम्प्लीट रूप से भरना होगा और इसमें एक वंशावली बना लेंगे नीचे एंड ग्राम प्रधान से साइन और मोहर करा लेंगे या वार्ड सदस्य या मुखिया से साइन मोहर करा लेंगे। उसके बाद आपको जाना होगा रेवेन्यू कर्मचारी यानी राजस्व कर्मचारी के पास, उनके पास साइन कराएंगे एंड वो जांच करके आपका साइन उसमें कर देंगे। जरूरत पड़ा तो जाति प्रमाण पत्र का जो फॉर्म होती है उस फॉर्म को भी मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है तो उसे भी आप इसके साथ साथ लगा लेंगे। जो आप ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यूज करते हैं उस फॉर्म की भी मांग होती है तो आप उसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपका रेवेन्यू कर्मचारी इस फॉर्म में साइन करेंगे, आपका जाति प्रमाण जो ऑफलाइन जाति प्रमाण पत्र है उसमें साइन करेंगे, आपका उप राजस्व कर्मचारी भी उसमें साइन करेंगे, फिर आपका अंचल अधिकारी साइन करेंगे और एक दिन के अंदर आपका जाति प्रमाण पत्र बनके तैयार हो जाती है। फिर अब वो आवास योजना के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये जाति प्रमाण पत्र केवल अब वो आवास योजना का लाभ लेने के लिए ही
स्पेशल बनाया गया है किसी और योजना का लाभ लेने के लिए इस फॉर्म को आप इस जाति प्रमाण पत्र को यूज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट से इस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। अब आवास योजना का दूसरी किस्त की राशि को लेने के लिए आप जो भी प्रोसेस को बताया गया है, मैं मानता हूं कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत इतना ज्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। अब आवास योजना के अंतर्गत थोड़ा ज्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, थोड़ा नहीं एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही ज्यादा प्रोसेस करना पड़ रहा है, क्योंकि अब आवास योजना का पहली किस्त की राशि जनवरी में मिलना शुरू हुआ और अभी जून महीने लास्ट होने जा रही है, लगभग 5 महीने पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक पहली किस्त की राशि अब आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभुकों को नहीं मिल पाया है। दूसरी किस्त की राशि भी काफी लाभुकों का बकाया है, तो सरकार को इन चीजों में ध्यान जरूर देना चाहिए। गर्मी का स्थिति कितना ज्यादा है, जितने भी मंत्री जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो ऑफिस में बैठते हैं उनको कम से कम एक दिन घर से बाहर निकल के जरूर देखना चाहिए कि गर्मी का स्थिति क्या है। आने वाला समय में बरसात आने वाली है, तो ये गर्मी और बरसात का जो मार गरीब सह रहे हैं इन चीजों पे जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि अब आवास योजना का पैसे जल्द से जल्द लाभुकों को मिल जाए और लाभुक अपना घर को कंप्लीट रूप से बना सके। और यदि लाभुक घर को बना नहीं पा रहे तो क्या परेशानी हो रही है, किन चीजों की जरूरत वो पूरा नहीं कर पा रहे, इन चीजों पर भी सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, ऐसे ही सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।